पूरे 150 रुपए में मिलने वाला दोस्तों ये पराठा, ये बना सकते हैं आप घर पर बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल मार्केट की तरह। अहमदाबाद में ये पराठा मिलता है जिसका नाम है गणेश पराठा। जी हाँ, ये पराठा काफी ज्यादा बड़े साइज का बनता है और इतने ज्यादा अच्छे स्पेशल मटेरियल्स इसके अंदर फिल किए जाते हैं, पर हमें पता नहीं होते कि वो लोग क्या स्टफ करके ये पराठा बनाते हैं। चलिए आज ये सीक्रेट रिवील करती हूँ आप सबके लिए। बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं पर बहुत ही टेस्टी बनता है ये पराठा, और आप एक बार में एक से ज्यादा पराठा तो खा ही नहीं सकते। तो चलिए हम भी बनाना शुरू करते हैं अहमदाबाद का फेमस महंगा वाला गणेश पराठा। तो इसको बनाने के लिए मैंने कुछ चीजें ली हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो मैंने 4 उबले आलू लिए हैं, और जो सब्जियां मैंने ली हैं उनको अच्छे से बारीक चॉप किया है। तो सारी चीजों को पहले हम बारीक चॉप करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे आलू हैं जो मैंने बता दिया था, 4 उबले आलू लेंगे, इनको छील लेंगे। ध्यान रखेंगे कि आलू में बिल्कुल भी पानी ना हो, आलू का पानी को अच्छे से छान कर रखेंगे। इसके अलावा चीज है, चीज की जरूरत हमें पड़ेगी फिलिंग में भी, साथ ही गार्निशिंग के लिए। तो चीज मैंने यहाँ पर क्रश वाला लिया है, आप चाहें तो मोजरेला चीज का यूज कभी कर सकते हैं और फिर बाद में उसको आप क्रश करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज मैंने ली है वो है शिमला मिर्च। यहाँ पर 2 शिमला मिर्च को मैंने मिनी चॉपर से फाइन चॉप किया है, आप चाहें तो एकदम बारीक चॉप कर सकते हैं। बीजों को हटा दें और ध्यान रखें कि शिमला मिर्च में बिल्कुल पानी ना हो। और सब्जियों को जितना ड्राई हम रखेंगे हमारा पराठा उतना ही ज्यादा बढ़िया बनेगा, हमें बेलने में आसानी होगी। इसके अलावा ये है पनीर, पनीर को मैंने क्रश कर लिया है। पनीर को पानी से छान कर पहले रखें और उसके बाद से क्रश करें जिससे ये एकदम ड्राई रहे। और पनीर को आप जो है अच्छे से इस तरह से कद्दूकस से क्रश करके ही यूज करें। इसके अलावा कैबेज है, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, पत्ता गोभी को आप हाथों से भी एकदम फाइन चॉप करें। क्रशर से क्रश कर सकते हैं या फिर मिनी चॉपर से कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ मिनी चॉपर से चलाया है जिससे ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके अलावा हमने लिया है प्याज, तो 2 बड़े प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज में भी ध्यान रखें कि पानी ना रहे। सारी सब्जियों में आपको यही सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी सब्जी में किसी तरह का मॉइस्चर ना हो। सब कुछ पहले से ही काट वाट कर पानी से छान कर रखें। हरी धनिया की पत्तियां ले ली है, थोड़ी सी बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा हरी मिर्च है, इसको भी मैंने फाइन चॉप किया है। तो अगर आप हरी मिर्च चाहें तो इसके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई हमारे स्टफ की सारी सामग्री। स्टफिंग कैसे तैयार करनी है वो भी आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर हमको स्टफिंग 1 बाय 1 करके तैयार करनी है। एक साथ हम सारी स्टफिंग बनाकर नहीं रखेंगे, नहीं तो जो नमक की वजह से स्टफिंग से पानी छूटने लगेगा तो पराठा बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी स्टफिंग है वो काफी अच्छे से भरी जाती है। तो यहाँ पर सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा मैं ले रही हूँ, जितने में कि हमारा 1 से 2 पराठा आराम से तैयार हो जाएगा, और बाकी की स्टफिंग मैं बाद में तैयार करूंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीजें जो मैंने दिखाई है, वो सारी चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी ले ली है। और अब हम क्या करेंगे कि आलू को कद्दूकस करेंगे। ध्यान रखें कि इसे मैश नहीं करना है, आलू को कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने से आलू का जो है आलू में बिल्कुल लम्स नहीं होगा, आलू हमारा एकदम बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक आलू को क्रश करके ले लूंगी। इसके अलावा इसमें और कोई सब्जी नहीं जाएगी, कुछ और चीजें नहीं जाएंगी। 1-2 स्पेशल मसाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले हम यहाँ पर आलू को क्रश कर लेते हैं, और अब यहाँ पर आलू को क्रश करने के बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा यहाँ पर जा रही है थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चम्मच, और कसूरी मेथी है थोड़ी सी। तो इसको हम क्या करेंगे कि हाथों से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी को आप चाहें तो तवे पे हल्का सा सेक भी सकते हैं। कसूरी मेथी के बाद जो चीज मैं ले रही हूँ वो इसका सीक्रेट मसाला है। जी हाँ, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मैगी का मसाला है, मैजिक का पाउच। ये 5 रुपए का पाउच हम एक बार में यहाँ पर एक पराठे के लिए यूज कर लेंगे। तो इस तरह के अगर आपके घर में सदस्य ज्यादा हैं तो आप 3-4 पाउच मंगा कर रख लें। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखा ना दोस्तों आपने, फिलिंग कितनी सिंपल सी है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं ऐड करनी है, तो बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। और यहाँ पर फिलिंग को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इससे पहले ही आप करें कि आटे को गूंद कर रख लें। आटे को सिंपल तरीके से जैसे रोटी का आटा होता है एकदम सॉफ्ट वैसा गूंदना है, और यहाँ पर हमारी ये फिलिंग बनकर तैयार है। इसको चलिए साइड रखते हैं, और अभी मैं आपको आटा दिखा देती हूँ आटा हमें कितना सॉफ्ट चाहिए। तो आटा हमारा खूब ज्यादा सॉफ्ट है, मैंने सिंपल पानी से आटे को गूंदा है और इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट दिया है। आटा हमारा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जितना सॉफ्ट आटा होगा उतने ही बढ़िया हमारे स्टफ पराठे बने होंगे। तो ये जो पराठे बनाने की एक सीक्रेट टिप भी होती है कि जब भी आपको कोई स्टफिंग पराठा बनाना है तो आप आटे को बहुत सॉफ्ट रखिए। यहाँ पर देखिए मैंने कितनी बड़ी लोई ली है, आपको भी कुछ ऐसे ही बड़ी सी लोई लेनी है तभी तो फील आएगा मार्केट वाला। और इसे रोटी की तरह थोड़ा सा मोटा मोटा बेल लें और रख लें ढेर सारी स्टफिंग, जितने स्टफिंग आप एक बार में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच रखे हैं। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे जिससे कि हमें बेलने में आसानी हो। और अब चारों ओर से पराठे को उठाते हुए हमको यहाँ पर एक बॉल की शेप दे देनी है। जो एक्स्ट्रा आटा हो
उसको आप निकाल कर अलग कर दें और बस कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से सूखा आटा वापस लगाइए और पहले हाथों से फैला लेंगे जितना हम फैला सकते हैं, जिससे कि पराठे बेलने पे फटे नहीं। और बहुत ही हल्के हाथों से आपको पराठा बेलना है, इसीलिए मैं यहाँ पर चकले पर नहीं बेल रही हूँ, स्लैब पर बेल रही हूँ, जिससे कि पराठे को हम आसानी से फैला सके, क्योंकि चकले की एक साइज होती है, स्लैब पर आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बेल सकते हैं। देखा ना आपने कितना है बड़ा पराठा ये, तो जितना बड़ा पराठा आप बेल सकते हैं उतना बड़ा बेलिए। और यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है इस पराठे को सेकने के लिए, क्योंकि पराठा बड़ा था और नॉर्मल जो लोहे के तवे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो हमारे नॉन स्टिक तवे की साइज का, डोसे वाले तवे की साइज का ये पराठा आपको दिख रहा होगा। और इसको पलटते समय ध्यान रखिए, इसको सेकना है बटर में। जी हाँ, यहाँ पर बटर से सेकेंगे, ना ही तेल होगा। आप वैसे देसी घी का यूज कर सकते हैं, पर आप ट्राई करिए कि इसको बटर में ही सेकिए, तभी आपको मार्केट वाला टेस्ट आएगा। और बटर डालने के बाद अच्छे से डालना है, बटर डालने में कंजूसी मत करिएगा। और इसीलिए ये पराठा इतना महंगा मिलता है, क्योंकि इसमें जो चीजें डलती हैं वो काफी महंगी महंगी अच्छे तरीके से डाली जाती हैं। और अब इसके बाद से पराठे को पलट देंगे, वापस से दूसरे साइड से भी बटर लगा लीजिए, अच्छे से लगाइए बटर। और बस दोनों साइड से बटर लगाकर पराठे को हमें घुमा फिरा कर उलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है। पराठे को पलटते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पराठा काफी ज्यादा बड़े साइज का है। यहाँ पर आप किसी स्पून से दबा सकते हैं, किसी स्पैटुला से पराठे को हल्का हल्का दबा लीजिए, और पराठे को मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा तो पराठा जो है ऊपर से काफी क्रिस्पी बनेगा। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा, नहीं तो पराठा जल जाएगा और इसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी जो मार्केट में होता है। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर सेक रही हूँ, सेकने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पर पराठा बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पराठा हमारा कितना बढ़िया लाल हो गया है। और ये पराठा आप अगर अच्छे से बेलेंगे, अच्छे से बनाएंगे तो ये फूलता भी है। मेरा पहला पराठा तो नहीं फूला, पर मैंने जो सेकंड पराठा बनाया वो काफी ज्यादा अच्छे से फूला था, आपने शुरू के वीडियो में देखा भी होगा। लीजिए, हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसको तवे पर ही इस तरह से काट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से, आपके पास पिज्जा कटर हो, नाइफ हो, उससे आप इस तरीके से कट लगा सकते हैं। और पराठे पे इस तरह से हमको थोड़े बड़े बड़े चौकोर वाले पीसेस करने हैं। इस तरह से पराठे को जब कट करके सर्व करते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और देखिए, कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर इसको काट लेना है। पराठा कट जाए तो तवे पर ही हमको यहाँ पर चीज डाल देना है। अगर आप मोजरेला चीज यूज कर रहे हैं तो आप क्रश करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑलरेडी क्रश चीज है मेरे पास, उसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और गरम गरम पराठे पर चीज पड़ते ही चीज जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो बस इसके बाद से आप पराठे को ऐसे भी निकाल सकते हैं प्लेट में, या फिर आप टुकड़ों में करके निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप पराठे को सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ मार्केट में जो मिलती है वो होती है दही, थोड़ी सी लहसुन की चटनी। मैंने भी दोनों चीजें प्रिपेयर करके रखी है। दही में आप थोड़ा सा कुछ मसाले वगैरह डाल सकते हैं। मेरे पास भी दही है, लहसुन की चटनी है। और बस लीजिए, हमारा टेस्टी सा यम्मी सा ये गणेश पराठा बनकर तैयार है। इतना टेस्टी लगता है खाने में, और आपका खाते खाते पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, क्योंकि पराठे की साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है। एक पराठे में ही आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आप काफी ज्यादा हैवी फील करेंगे लिए। और ये है मेरा दूसरा पराठा दोस्तों। दूसरा पराठा मैंने बनाया था लोहे के तवे पर, दिखाने के लिए कि देखिए लोहे के तवे पर भी हम इस पराठे को सेक सकते हैं। चीज डाल दिया है और बस इस पराठे को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये पराठा भी मेरा काफी ज्यादा क्रिस्पी बना है। कुछ इस तरीके से भी आप पराठे को सर्व कर सकते हैं, जैसा मैं अभी सर्व कर रही हूँ। और ऊपर से चाहे तो वापस से थोड़ा चीज डाल लें। बहुत ही टेस्टी पराठा है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। इसके साथ भी दही है और लहसुन की चटनी है। ये लीजिए, मेरा जो तीसरा पराठा है ये काफी अच्छा फूला है, आप देख भी रहे हैं। तो पराठा फूलता भी है, ऐसा नहीं है कि पराठा नहीं फूलता है। आप इस पराठे का साइज अगर थोड़ा सा छोटा रखेंगे, आपको बेलने में और सेकने में आसानी होगी। मैंने काफी ज्यादा बड़े बड़े पराठे बनाए थे, और एक एक पराठा खाते ही सबकी हालत खराब हो गई थी। बहुत ही टेस्टी पराठा है दोस्तों। मार्केट में 150 रुपए में मिलने वाला पराठा तो हम घर में आराम से 40-45 रुपए में बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये पराठा? आपको गणेश पराठा कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई होप आपको पराठे की रेसिपी तो अच्छी लगी होगी। इसे बनाइएगा, खाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करिएगा। आई होप उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में नए रेसिपीज के साथ। और आपकी किसी रेसिपी की डिमांड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।